हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार धाकड़ स्वागत करता हूं आपका राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, हाजिर हूं नए वीडियो के साथ जो कि आपके लिए असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जिन्होंने अब तक हमारा चैनल अगर लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ हमारे अपडेट नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं समय को ना वेस्ट करते हुए हमारे टॉपिक पर। तो आज ये दोस्तों मिनरल न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट है, तो इसमें शुरुआत करेंगे। एनपीके तक हो गया था हमारा, अभी इसमें शुरुआत करते हैं अपन कैल्शियम से। तो दोस्तों, कैल्शियम जैसे सब लोगों को मालूम है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जो कैल्शियम क्या होता है दोस्तों, जिप्सम जो होता है ना, जिप्सम इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। याद रखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला भी याद रखिए। तो क्या बोलते हैं, CaSO4 CaSO4 को क्या बोलते हैं दोस्तों, जिप्सम बोलते हैं। तो इसको कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। ये दोस्तों, ये जब भी कैन बी इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द सॉइल, और जब भी सॉइल में कैल्शियम की कमी होती तो हम जिप्सम का एप्लीकेशन कर देते हैं। किसके एप्लीकेशन करते हैं फ्रेंड्स, जिप्सम के एप्लीकेशन कर देते हैं। याद रखिए CaSO4 सब वाटर मॉलिक्यूल्स का याद रखिए। फंक्शन क्या होते हैं दोस्तों कैल्शियम के, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए दोस्तों, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, हम ये पिछले वीडियो में भी इसे डिस्कस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। और जो प्लांट्स में किस फॉर्म पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम पैक्टेट के रूप में जाता है। आपको याद होगा कैल्शियम पैक्टेट क्या होता है दोस्तों, जो दो सेल्स होते हैं उनके बीच का जो दोनों का गैप होता है C1 और ये है C2, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, ये जो दोस्तों ये किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का, पैक्टिन होता है। तो इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, कैल्शियम पैक्टेट, याद रखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी डिफिशेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये यंग लीव्स में होती है। ये एक डायग्राम हमने लास्ट में रखा है सबसे, उसको हम पूरे कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यंग लीव्स जो होते हैं, यंग लीव्स में इसका कैल्शियम का डिफिशेंसी सिम्टम्स वो पड़ता है। यंग लीव्स का मतलब मान लो दोस्तों, ये यंग भी नहीं, यंगेस्ट लीव बोलिए, जो ऊपर की बड़े होती हैं सब अपेक्स की, ये डायरेक्ट कैल्शियम को अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं, कैल्शियम से अफेक्ट होते हैं डिफिशेंसी से। तो दोस्तों, बिटर पिट इन एप्पल, जो बिटर पिट होता है कड़वा सा जिसमें जो आता है ऊपर, कैल्शियम डिफिशेंसी के कारण होता है बिटर पिट। ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो किसका है दोस्तों, ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो किससे होता है, कैल्शियम डिफिशेंसी होता है। और ब्लैजम ऑन राइट ऑफ वाटर मेलन भी कैल्शियम डिफिशेंसी से होता है। तो याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिटर पिट इन एप्पल, ब्लॉसम एंड रॉट इन टोमेटो एंड वाटर मेलन, इंटरनल ब्रेकडाउन ऑफ मैंगो अंदर से फ्रूट्स टूट जाता है, जैसा सड़ जाता है ऐसा हो जाता है, इसको इंटरनल ब्रेकडाउन बोलते हैं। पल्प सॉफ्ट इन पपाया, अगर दोस्तों उसका पल्प सॉफ्ट हो गया है, ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया है, तो उसमें कैल्शियम की डिफिशेंसी है। कॉर्क स्पॉट ऑफ एप्पल याद रखिए, बटर पिट के बाद कॉर्क स्पॉट ऑफ एप्पल, जोनाथन स्पॉट ऑफ एप्पल और स्टार्क नेक्रोसिस इन ग्रेप्स दोस्तों, जो इनका स्टाक होता है दोस्तों ग्रेप्स का, वो क्या हो जाता है, उसमें काले काले दबे पड़ जाते हैं, नेक्रोसिस होता है, डेड पार्ट हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टार्क नेक्रोसिस बोलते हैं। तो ये सब कैल्शियम डिफिशेंसी के कारण होते हैं फ्रेंड्स, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा दोस्तों मैग्नीशियम है, ये दोस्तों किसके लिए एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल, ये दोस्तों क्लोरोफिल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नीशियम पोरफायरिन बनाता है, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफिशेंसी इसमें ओल्डर लिप्स में होता है फ्रेंड्स, ब्लूइंग ब्राउन मार्बलिंग इन लीव्स एंड पेटियोल्स पर ये दिखाई पड़ता है, ब्लूइंग एंड ब्राउन मार्बलिंग। फंक्शंस क्या होते हैं, एसेंशियल फॉर सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स,
लाइक जैसे सिस्टीन सिस्टाइन मिथनिन। तो दोस्तों कभी कभी ये भी क्वेश्चन आया था कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, तो सिस्टीन और मिथियोनिन, याद रखिए दोनों ऑप्शन जरूर होते हैं। मिथियोनिन के बारे में बहुत पूछा जाता है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है, सिस्टीन एंड मिथोलिन, मिथियोनिन एंड सिस्टेन। इम्प्रूव द सो ऑयल क्वालिटी, ऑयल सीड क्रॉप में ऑयल क्वालिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स, ये ऑयल क्वालिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों अगर हम आयरन की बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट में, तो आयरन का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए होता है। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं दोस्तों, डीएनए और आरएनए, और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जिसका जो है क्लोरोफिल सिंथेसिस में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। कॉमन इन कैलकेसिस सेल, कैलकेरियस सेल सॉइल में होता है दोस्तों ये, एंड लाइमस्टोन जो होता है उसमें भी इसकी डिफिशियंसी पाई जाती है। दोस्तों कैलकेरियस अगर सॉइल है तो उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसमें आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों इसका, प्रेजेंस का, प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम एंड दिस लाइम इंड्यूस्ड क्लोरोसिस। क्लोरोसिस किसको बोलते हैं दोस्तों, डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल को क्लोरोसिस बोलते हैं। इंटरवीनल क्लोरोसिस किससे होता है, इंटरवीनल क्लोरोसिस मीन्स दोस्तों बीन्स के बीच में जो क्लोरोसिस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरवीनल क्लोरोसिस बोलते हैं। दोस्तों लास्ट में हमने एक रखा है इमेज, उसमें स्पष्ट दिखाया है इंटरवीनल क्लोरोसिस आयरन की डिफिशियंसी कारण होता है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट है मैंगनीज, तो दोस्तों जो मैंगनीज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंपॉर्टेंट होता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दोस्तों ये फोटोलिसिस होता है किसके दौरान होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है फोटोलिसिस, जिसमें लाइट की उपस्थिति में वाटर का ब्रेक डाउन हो जाता है मैग्नीशियम के उपस्थिति में, इसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। मिडिल एंड ओल्डर लीव्स पर ये अपना डिफिशेंस शो करता है। इंटरवीनल क्लोसिस इससे भी होता है किससे दोस्तों, मार्सी स्पॉट इन गार्डन पी। दोस्तों दूसरा क्या है, मार्सी स्पॉट इन गार्डन पी। दोस्तों ग्रीन ब्लोच इन परसिमोन में होता है, इसमें किस में होता है दोस्तों, ग्रीन ब्लोच इन परसिमोन। तो दोस्तों इसमें ग्रीन ब्लोच इन परसिमोन याद रखिए, इंटरवीनल क्लोसिस होता है, मार्सी स्पॉट इन गार्डन पी, किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है दोस्तों, मैंगनीज की। अब दोस्तों जिंक के बारे में पढ़ते हैं, ये किसके लिए होता है, आरएनए और आईएए स्टेबिलिटी और प्रोटीन मेम्ब्रेन इम्पोर्टेंट फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्रोथ। तो दोस्तों जो आरएनए आईए की स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है और प्रोटीन मेम्ब्रेन, तो दोस्तों जो मेम्ब्रेन्स बनती हैं प्रोटीन के वो भी इसके इसमें इसका बहुत अहम रोल होता है। न्यू लीव्स पर इसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स वो होता है, किस पे, न्यू लीव्स है। रिडक्शन ऑफ इंटरनोडल लेंथ कॉमन इन सोडिक सॉइल, दोस्तों कोडिक जिसमें इसकी चरिता बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसमें एक कॉमनली पाया जाता है, एंड कैलकेरी सॉइल और जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है इस सॉइल में भी इसकी डिफिशियंसी पाई जाती है। दोस्तों जो सिट्रस में इसमें मोटर लीफ होता है, सिट्रस में क्या होता है, जिंक की डिफिशियंसी मोटर लीफ होता है। फोलियोसेलोसिस और ब्रांचिंग और ब्रांच्ड लीव्स, लीफ और मोटर लीव्स, तो दोस्तों ये सिट्रस में होता है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉपर, तो दोस्तों जो कॉपर के कारण लीव्स कपिंग हो जाती हैं, मतलब इस तरह की सिकुड़ जाती हैं, इस तरह से सिकुड़ जाती हैं, तो याद रखिए ये किसके कारण होता है, कॉपर के कारण होता है। डाईबैक एंड एग्जेंथिमा भी कॉपर के कारण होता है, क्या, डाईबैक एंड एग्जेंथिमा इन सिट्रस। डाईबैक में प्लांट ऊपर से मरने लगता है टॉप से, विदरिंग इन बनाना, एक और इसमें जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, विदरिंग इन बनाना, सॉरी सॉरी बिपिंग इन बनाना, तो ये भी याद रखिए दोस्तों, डाईबैक एंड एग्जेंथिमा सिट्रस एंड बिपिंग इन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका 16 ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यकीन मानिए पार्ट क्वेश्चन पार्ट सेकंड कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दृष्टि से। बोरन का मेन रोल क्या है दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ शुगर, मीन्स ये शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है।
और दोस्तों पोलन ग्रंथ की जर्मिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको भी याद रखिए दोस्तों। दूसरा है पोलन ट्यूब ग्रोथ के लिए रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग। तो दोस्तों पोटेशियम के साथ बोरोन का भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है स्टोमेटा रेगुलेशन में। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इसका जो मेन फंक्शन है, अगर ये नहीं हुआ तो इसकी डिफिशेंसी हो जाएगी दोस्तों। तो शुगर बीट, ब्राउन हार्ट और हार्ट रॉट बोलते हैं। एक शुगर बीट में जो चुकंदर बोलते हैं उसमें एक पिजुले का डिसऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं ब्राउन हार्ट और हार्ट रॉट। दूसरा कॉलीफ्लावर और दूसरा होता है हॉलो स्टेम। क्या होता है? हॉलो स्टेम और बर्निंग ऑफ कर्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों? हॉलो स्टेम, स्टेम जो जो स्टेम होता है वो पोला रह जाता है। एप्पल में बोरोन की डिफिशियंसी क्या होता है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉर्क। क्या होता है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉर्क किसके कारण होता है? बोरोन की डिफिशियंसी कारण होता है। कोकोनट में बटनिंग बटनिंग होता है दोस्तों, बटन सीडिंग। तो छोटे छोटे जो फल होते हैं वो गिर जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बटन सीड बोलते हैं। सिट्रस में हार्ड फ्रूट एंड स्टोनी फ्रूट हो जाता है दोस्तों। सिट्रस में क्या हो जाता है कि फ्रूट बहुत हार्ड हो जाता है, पत्र के कठोर हो जाता है, तो इसको स्टोनी फ्रूट भी बोलते हैं। ये सिट्रस में होता है। ग्रेप्स में हैन एंड चिकन डिसऑर्डर होता है दोस्तों, हम पिछले वीडियोज में बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं। अब लिटिल लीफ इन ब्रिंजल किसकी डिफिशियंसी होता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। अंत तक बने रहिए, ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें बने रहिए और नॉलेज अर्जित करते रहिए। आंवला में फ्रूट नेक्रोसिस होता है। बोरोन की डिफिशियंसी क्या होता है दोस्तों? फ्रूट नेक्रोसिस होता है दोस्तों। कहाँ कहाँ से मैं आपके लिए टाइप करके लाया हूँ ये क्वेश्चंस, आप याद रखिए। पर्सिमोन में कैलिक्स कैविटी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैलिक्स कैविटी पहले तो ये पूछा जाता है कि कैलिक्स कैविटी किसमें पाया जाता है, तो दोस्तों ये पर्सिमोन में पाया जाता है, और ये बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। किसकी डेफिशिएंसी से होता है? बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। तो दोस्तों एप्पल में एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉर्क जो होता है बोरोन डेफिशिएंसी होता है। कोकोनट में बटन सीडिंग होता है, छोटे छोटे फल टूट के गिर जाते हैं। और जो ग्रेप्स में हैन एंड चिकन डिसऑर्डर बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है दोस्तों। जो है सेलरी में जो क्या होता है? क्रैक्ड स्टेम भी होता है। किससे होता है? सेलरी में क्रैक्ड स्टेम हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो है मोलिब्डेनम है, एसेंशियल फॉर नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए होता है। मोलिब्डेनम किसके लिए? नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए होता है दोस्तों। एक और रह गया, ये फ्रूट क्रैकिंग जो होता है टमाटर में किसके कारण होता है? बोटोन डेफिशिएंसी होता है। फ्रूट क्रैकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। और इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, अदरवाइज इसको दोबारा भी देख सकते हैं। जितनी बार आप देखोगे उतनी बार जितने ऑप्शंस आपको याद रहेंगे। तो बिप्टर एंड कॉलीफ्लावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों 100% आएगा, आप लगा लीजिए इसका आंसर, ये 100% आएगा। ये नेट, जी आर ए, एस आर ए, परसिस्टेंट डायरेक्ट, ADA, ADS सब में आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निकेल। सीड वायबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। किसके लिए? सीड वायबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट, रूट नोडुलेशन के लिए होता है। लेगिंग वेजिटेबल्स में इसकी डेफिशिएंसी अक्सर देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक अपना फिजियोलॉजिकल एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी सिम्टम्स। तो दोस्तों ब्रॉन्जिंग, ब्रॉन्जिंग किसको बोलते हैं दोस्तों? डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉन्ज और कॉपर कलर इन प्लांट टिश्यू दोस्तों। अक्सर ये किसमें देखने को मिलता है? गावा में देखने को मिलता है। अब याद रखिए, गावा में ये देखने को मिलता है कि ब्रॉन्जिंग किसमें देखने को मिलता है? गावा में। और क्लोरोसिस दोस्तों, क्लोरोसिस क्या होता है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल को क्लोरोसिस बोलते हैं। इसी कारण दोस्तों ग्रीन कलर खत्म हो जाता है और पत्ती पीली पड़ जाती है। डिक्लाइन ऑनसेट ऑफ जनरल वीकनेस एंड इंडिकेटेड बाय द लॉस ऑफ विगर। डिक्लाइन का मीनिंग जो होता है दोस्तों, कोई भी ग्रोथ एकदम घट जाए, उसकी विगरसिटी घट जाए, जैसे लॉस ऑफ विगर हो गया, ये लॉस ऑफ विगर, पुअर ग्रोथ एंड लो प्रोडक्टिविटी, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? डिक्लाइन। जो हमारा प्रोडक्टिविटी वो कम होगी, इसको डिक्लाइन होगी। डाई बैक, ऊपर से प्लांट मरना शुरू हो जाता है, उसको डाई बैक बोलते हैं दोस्तों। यह है कोलैप्स ऑफ ग्रोइंग टर्मिनल। जो ग्रोइंग टर्मिनल होता है ऊपर का पैक्स, वो अफेक्टेड बाय एंग लीव्स, अफेक्टेड द एंग लीव्स दोस्तों। ऊपर से जो एंग लीव्स मरना शुरू कर देते हैं नीचे, डाई बैक, ऊपर से नीचे की तरफ मरना। फायरिंग, बर्निंग ऑफ द टिश्यू अकम्पनेड बाय विद लाइट ब्राउन कलर,
रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल्टी स्प्रे साल्ट इंजरी। तो दोस्तों किसके होता है साल्ट इंजरी, और कभी कभी गलत स्प्रे से भी ये हो जाता है। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं दोस्तों? फर्टिलाइजर्स अप्लाइंग न्यूट्रिएंट टू द सॉइल टू नरिश द प्लांट ग्रोथ। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फर्टिलाइजर बोलते हैं अप्लाइंग न्यूट्रिएंट टू द सॉइल टू नरिश द प्लांट ग्रोथ। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन से होते हैं? ड्राइव फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों जो हमारे से गाय बैल भैंस जिनके गोबर से जो बनता है उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हैं। और भी दोस्तों जो प्लांट्स के डेब्रिस वगैरह प्लांट का जो पार्ट से अगर बनाएंगे वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होगा। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होता है? डेराइव फ्रॉम द नॉन लिविंग मटेरियल। कहाँ से दोस्तों? नॉन लिविंग मटेरियल से। स्टेट फर्टिलाइजर कौन से होते हैं दोस्तों? दीज कंटेन ओनली वन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट जैसे यूरिया। तो दोस्तों ओनली उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो जितने भी दोस्तों इनमें सिंगल नाइट्रोजन पदार्थ होता है अमोनियम नाइट्रेट में सोल्यूट दोस्तों ओनली नाइट्रोजन होता है। तो ये स्टेट फर्टिलाइजर हुए। प्रीफर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फॉर अल्कलाइन सॉइल। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीफरेबल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फॉर अल्कलाइन सॉइल। अल्कलाइन सॉइल के लिए सबसे कौन सा? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट किसके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों? अल्कलाइन सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको AS लिख लीजिए। क्या बोलते हैं? AS अमोनियम सल्फेट। दोस्तों हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन सा? अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा दोस्तों? अमोनियम नाइट्रेट, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केन दोस्तों जो होता है न्यूट्रल फर्टिलाइजर होता है, मतलब इसकी जो पीएच होती है इसकी कितनी होती है? 7 होती है। तो याद रखिए दोस्तों 7 होती है, इसमें 25% नाइट्रोजन पाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड नॉट सूटेबल फॉर टोमेटो टोबैको बिकॉज ऑफ क्लोर टॉक्सिसिटी। देखो दोस्तों ये मैंगो के लिए भी सूटेबल नहीं है, एक और याद रखिए, ये मैंगो में भी क्लोराइड टॉक्सिसिटी है तो ये मैंगो के लिए सूटेबल नहीं है। तो टोमेटो और टोबैको और मैंगो, तो दोस्तों ये अमोनियम क्लोराइड की टॉक्सिसिटी कारण ये नहीं सूटेबल होता है। पॉपुलर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूरिया है दोस्तों। पॉपुलर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन सा है? यूरिया है। म्यूरेट ऑफ पोटैश MOP अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप। दोस्तों जो MOP जो होता है पोटैटो और टोबैको की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। क्यों करता है दोस्तों? क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है। MOP इज नोन एज पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड जो क्लोराइड होता है दोस्तों ये टॉक्सिटी करता है लीव्स पर। पोटेशियम नाइट्रेट ब्रेक द सीड डोरमेंसी। दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है उसको सीड डोरमेंसी ब्रेकिंग के लिए करते हैं, और इसके साथ था यूरिया वगैरह को भी सीड बड डोरमेंसी ब्रेकिंग के लिए यूज करते हैं। फर्टिगेशन क्या हो दोस्तों? एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू द ड्रिप इरीगेशन इज कॉल्ड एज फर्टिगेशन। मीन्स दोस्तों जो फर्टिलाइजर होते हैं उनको ड्रिप इरीगेशन की तरह सहायता से आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करना क्या कहलाता है? फर्टिगेशन कहलाता है। 1960 में ये इसराइल ने डेवलप किया था, और अभी इसमें दोस्तों 70% एरिया इन फर्टिलाइज जो इसराइल का 70% एरिया है वो फर्टिगेशन से होता है। दोस्तों फर्टिगेशन जो ड्रिप इरीगेशन होता है लगभग 90% वाटर सेविंग करता है। स्टार्टर सॉल्यूशन क्या होता है? तो फर्टिलाइजर सॉल्यूशन होता है NPK विद 1:2:1 और 1:1:2 अप्लाइंग एट यंग सीडलिंग एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। तो दोस्तों स्टार्टर सॉल्यूशन होता है ये उनको सेट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्टर सॉल्यूशन बोलते हैं। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड्स, तो बीज ड्रेसिंग होता है मिक्सड इनटू ग्रोइंग मीडिया यूजुअली बिफोर प्लांटिंग। तो दोस्तों ये ग्रोइंग मीडिया के साथ मिक्स करके डाली जाती हैं, और यूजुअली प्लांटिंग से पहले जैसे अपन फील्ड प्रिपरेशन करते हैं उसी टाइम इनको अप्लाई कर दिया जाता है। सरफेस ब्रॉडकास्टिंग स्कैटर्ड ऑन प्रिपेयर्ड सॉइल सरफेस। दोस्तों स्कैटर्ड ऑन प्रिपेयर्ड सॉइल सरफेस जो हमने फील्ड का लेवल करके रखा है और उस पर डाल देते हैं इसको सरफेस टू बी कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज। तो दोस्तों इसको सरफेस पे हाथ से इसको स्कैटर्ड कर देते हैं, सरफेस ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं इसको। टॉप ड्रेसिंग क्या करते हैं दोस्तों?
ये फर्टिलाइजर्स एडेड टू द सॉइल सरफेस बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मोस्ट फ्रिक्वेंटली अप्लाइड बाय दिस मेथड। दोस्तों यूरिया देखा होगा किसान हाथ से फेंकते रहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ये स्टैंडिंग क्रॉप में यूज करते हैं। किसमें दोस्तों? स्टैंडिंग क्रॉप में। तो इसको आप याद रखिए। दूसरा लिक्विड फीडिंग, तो एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर डाइल्यूटेड इन वाटर टू द रूट जोन और फर्टिगेशन इन इनकॉर्पोरेटेड इन इरीगेशन सिस्टम और हाइड्रोपोनिक्स प्रोडक्शन सिस्टम। लिक्विड फीडिंग मीन्स जो होता है दोस्तों कि लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में अप्लाई कर देते हैं फर्टिलाइजर को, वाटर टैंक में ला देते हैं, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स वगैरह में आपने देखा होगा, उसको लिक्विड फीडिंग बोलते हैं। फुलर फीडिंग में क्या करते हैं दोस्तों, जो फर्टिलाइजर होते हैं उन लिक्विड को स्प्रे कर देते हैं पत्तियों के ऊपर, उसको फुलर फीडिंग बोलते हैं। बल्कि ऑर्गेनिक मैनर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जो कंपोस्ट है, स्ट्रॉ है, फार्मियर मैनर है, जो ज़्यादा संख्या वजन में और क्वांटिटी में जो खेतों में डाला जाता है, जो दोस्तों जैसे गाय का गोबर है, कंपोस्ट है, सिटी कंपोस्ट है, बर्मिंग कंपोस्ट है, ये सभी कैसे हैं? बल्कि ऑर्गेनिक मैनर हैं। ग्रीन मैनर कौन से होते हैं दोस्तों? ग्रीन मैनर इन द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स प्राइमरी टू द डेवलप एंड मेंटेन सोल स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी। तो दोस्तों किसके लिए? सोल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी के लिए इसको एप्लीकेशन करते हैं। जनरली लेगिंग क्रॉप होते हैं, जैसे सन हेम, कोटोलेजुंसिया, ये दोस्तों ड्रॉट रेसिस्टेंट है और ड्रॉट टॉलरेंट लेगिंग क्रॉप है। ये गलत लिखा है, लेनेंट, ये टॉलरेंट है दोस्तों। तो नेक्स्ट है ढेंचा, इसको सेसवानिया एकुलेटा बोलते हैं दोस्तों। ढेंचा को ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, आपने देखा होगा खेतों में, इसका जनरली राजस्थान में बहुत यूज होता है। और बाल्ड इंडिगो, इसको टेप्रोसिया परप्यूरिया बोलते हैं दोस्तों, ड्रॉट टॉलरेंट लेगू में ये भी। फास्टेस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग ग्रीन मैनिंग क्रॉप कौन सा दोस्तों? सेसवानिया रोस्टेटा। इसमें स्टेम, सेसवानिया रोस्टेटा, इसमें क्या होता है, स्टेम नूडल्स पाए जाते हैं, स्टेम है, रूट नूडल्स पाए जाते हैं, सेसवानिया रोस्टेटा है, याद रखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ग्रीन लीफ मैनिंग क्रॉप कौन कौन से दोस्तों? ग्रीन लीफ मैनिंग क्रॉप में एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन लीव्स एंड ट्री ट्विक्स। तो दोस्तों ये ट्री ट्विक्स, श्रब्स, हर्ब्स, प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, वेस्ट लैंड एंड फॉरेस्ट है। तो ग्रीन लीफ मैनरिंग में दोस्तों जो है ना, ऑर्गेनिक मैनर मेड फ्रॉम द लीव्स कलेक्टेड फ्रॉम द, कहीं भी जहाँ से भी हमने लीव्स कलेक्ट किया है और उनसे जो मैनर बनाया जाता है वो किसको बोलते हैं? ग्रीन लीफ मैनरिंग बोलते हैं दोस्तों। जैसे नीव है, महुआ है, ग्लिसीडिया है, और केलोट्रोपिस मीन्स आँख है, करंज है, पोंगेमिया पेनाटा बोलते हैं दोस्तों, टेप्रोसिया है, इन सब की पत्तियों से अगर हम अगर कोई कंपोस्ट बनाते हैं वो ग्रीन लीफ मैनरिंग बोलते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों ये, इसमें भी बहुत नाइट्रोजन होता है। कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैनर, ये दोस्तों जैसे कोल केक्स होते हैं, मटेरियल्स एंड एनिमल ऑरिजिन, जैसे बोन मिल वगैरह, ये सब कैसे होते हैं? कॉन्सेंट्रेट ऑर्गेनिक मैनर होते हैं। तो याद रखिए ऑयल केक्स, बोन मिल और जो भी ब्लड वगैरह होते हैं बूचर खाने के, वो सब कॉन्सेंट्रेट ऑर्गेनिक मैनर में आते हैं। बायो फर्टिलाइजर से दोस्तों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर आता है बायो फर्टिलाइजर का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज एज ए फर्टिलाइजर, तो उसको क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं दोस्तों, कैसे? सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में दोस्तों सब जानते हैं राइजोबियम, राइजोबियम किसमें? लेगिंग क्रॉप यूज होता है। प्लस एजोला, ये दोस्तों ये एजोला क्या है? ब्लू ग्रीन एलगी है, फर्न है दोस्तों, है इसको याद रखिए। ये किसमें यूज होते हैं? राइस क्रॉप में यूज होते हैं। किसमें? राइस में यूज होते हैं। राइजोबियम इज ए बैक्टीरिया, बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर। तो दोस्तों राइजोबियम क्या है? एक बैक्टीरिया है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राइजोबियम इज वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। नॉन सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन से? एजोटोबैक्टर है दोस्तों, इसको वेजिटेबल में यूज करते हैं। किसमें? वेजिटेबल्स में यूज करते हैं एजोटोबैक्टर। ये फ्री लिविंग है बट नॉन सिम्बायोटिक है। एजोटोबैक्टर फिक्स्ड नाइट्रोजन अबाउट 20 से 30 केजी पर हेक्टेयर। तो दोस्तों ये देखो, अगर 30 केजी नाइट्रोजन अगर हमको डायरेक्ट मिल रही है एजोटोबैक्टर से, तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है दोस्तों।
अगर किसी का रिकमेंडेशन 60 से 70 kg नाइट्रोन का है तो उसको आधे से ज़्यादा नाइट्रोन तो अपना एजियोटोबैक्टर से मिल जाएगी। एसोसिएटेटिव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन सा, एजोस्पिरिलम है दोस्तों, एजोस्पिरिलम, ये राइस एंड शुगर केन में यूज होता है। किसमें? राइस एंड शुगर केन में यूज होता है। एजोस्पिरिलम जो होता है हीट टॉलरेंट होता है। कैसा दोस्तों? हीट टॉलरेंट होता है। मोर सुटेबल फॉर नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप के लिए बहुत सूटेबल है। किसके लिए? सीरियल क्रॉप के लिए। एजोस्पर्म जो है दोस्तों सीरियल क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्लू ग्रीन एल्गी कमर्शियली यूटिलाइज इन राइस। बीजीए कौन सा होता है दोस्तों? एजुला जो होता है ये बीजीए होता है, सबने देखा होगा दोस्तों। तो ये किसमें? राइस में जनरली यूज होता है। पॉस्फेट बैक्टीरिया जो होते हैं, पॉस्फेट एक बायो फर्टिलाइजर, स्यूडोमोनास है, बेसिलस है, पेनिसिलियम है, ये दोस्तों याद रखिए। फॉस्फेट सोलिडाइजिंग बैक्टीरिया है, पेनिसिलस है, बेसिलस, स्यूडोमोनास है, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो जे एम माइक्रोराजा है दोस्तों, एसोसिएशन बिटवीन प्लांट रूट्स एंड फंगल माइसिलिया। तो म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक है दोस्तों, एक दूसरे को फायदा होता है। तो जो फंगी होता है जिसको एक्लोस्पोरा और जिग्नोस्पोरा ग्लूम्स होते हैं दोस्तों, इनको याद रखिए। जिगा स्पोरा है, कलोस्पोरा है। तो जो दोस्तों एवेस्कुलर माइकोराया जो होते हैं, मोबिलाइजिंग फॉस्फेट, मोबिलाइजर, मोबिलाइज फॉस्फेट एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट लाइक जिंक, बोरोन एंड मोलिब्डेनम। तो दोस्तों ये दोस्तों स्पेशली फॉस्फोरस के साथ किस किस को मोबिलाइज करते हैं? जिंक, बोरोन एंड मोलिब्डेनम। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो माइकोराजा, भी उनको यूज करना चाहिए। अब दोस्तों हम आते हैं इस इंपॉर्टेंट डायग्राम पे। देखिए दोस्तों जो कैल्शियम है जो सबसे अपेक्स जो है उसको अफेक्ट कर रहा है, अपेक्स लीव्स को, तो याद रखिए कैल्शियम। और बोरोन जो है दोस्तों जो बड को, जो बड निकल रही है उसको बोरोन अफेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों ऊपर के लगभग अगर हम दो याद रखें कि दो तो टॉप में हो गए बोरोन एंड कैल्शियम, और उसके नीचे आयरन एंड सल्फर आ जाता है। और दोस्तों अगर देखो नीचे देखें NPK जो है ये नाइट्रोजन है, और ये K है, और ये P है। तो दोस्तों देखो NPK एकदम लोएस्ट सरफेस में अफेक्ट करता है, बाकी जो भी हैं सब मिडिल उसमें अफेक्ट करते हैं दोस्तों। हम इनको ऑलरेडी अच्छे से समझा चुके हैं दोस्तों, अगर जिनको भी कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों कैल्शियम को याद रखिए। कैल्शियम टॉप मोस्ट जो लिप्स होती हैं एकदम टेंडर लिप्स होती हैं उन्हीं को अफेक्ट करता है। तो इसकी डिफिशेंसी एकदम अपेक्स पार्ट पर दिखाई देता है, और बोरोन को दोस्तों अपेक्स जो बड होती है उसको अफेक्ट करता है। और जो आयरन जो होता है जो मिड यंग लिप्स को करता है दोस्तों, ये देखो ये है वीन बेंडिंग दोस्तों, इंटरवीनल क्लोसिस, इंटरवीनल क्रोसिस दोस्तों, वीन देखो वीन्स ग्रेन है एंड क्लोरोसिस इनके बीच में हुआ है, तो इसको बोलते हैं इंटरवीनल क्लोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए इंटरवीनल क्लोसिस आयरन से होता है। और दोस्तों जो कॉपर है इससे बिल्टिंग सिम्टम्स होता है, देखो नीचे लटक गया है, बिल्टिंग एंड ड्रॉप हो जाएगी, बाद में पत्तियाँ गिर जाती हैं। मोलिब्डेनम से दोस्तों जो होता है ना स्पॉट्स पूरी बीन्स पर दिखाई पड़ता है, और इसके जो सबसे स्टिकी सीक्रेशंस होता है, इससे स्टिकी सीक्रेशन, चिपचिपा स्टिकी सीक्रेशंस होता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो ये दोस्तों एक ब्रीफ डिस्कशन था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। अगर दोस्तों आपको और इसको डिटेल में समझाना है तो प्लीज़ इसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों देखते रहिए, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर कर लें, क्योंकि हम इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का पूरा सिलेबस कराने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।